जिला बिलासपुर के साथ सटी सोलन व बिलासपुर जिला के अंतिम छोर बसा गांव साई जो ग्राम पंचायत चिड़ोक के तहत आता है, इसी गांव के दीपक किनायत जो कि भूतपूर्व सैनिक व शिक्षा विभाग में शिक्षा उपनिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होकर प्राकृतिक कृषि को अपनाया। उन्होंने अपने खेतों में बांस के डंडे व ग्रीन शेड नेट का उपयोग करके एक ग्रीन हाउस की तरह शेड तैयार किया है, जिसमें इन्होंने खेती करके अदरक, अरबी, हल्दी, धनिया, करेला, खीरा का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि केमिकल की सब्जियां बाजारों में काफी आ रही हैं, जिनको देखते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेतीबाड़ी की और अनेकों प्रकार की सब्जियों को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह अपने घर पर इन्होंने सूखी खाद तैयार की है जो 21 दिन में तैयार हो जाती है। इसके साथ उन्होंने इसी तरह जीवामृत तरल खाद भी तैयार की है, जिसमें इन्होंने गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, पीपल के पौधे के नीचे की मिट्टी का प्रयोग करके एक ड्रम में इसका घोल तैयार किया है, जो कि कृषि के लिए अमृत है। दीपक किनायत ने ये भी बताया कि जो मैंने ग्रीन शेड तैयार किया है, उसमें जो फसल तैयार होगी उसे मक्खियों से बचाने के लिए एक साधारण प्लास्टिक की बोतल में कृषि विभाग द्वारा दिया गया लकड़ी से गुटके का प्रयोग करके मक्खियां पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। दीपक किनायत ने बताया कि किसानों को अपनी सब्जियों को बेचने के लिए बाहरी राज्यों की मंडियों में ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के नजदीक विक्रय मंडी नहीं है। सरकार अगर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले तो हिमाचल प्रदेश का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और किसान अच्छी इनकम भी कमा सकता है। रिटायर्ड उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा भांगड़ा से, मैं इस समय रिटायरमेंट के बाद आकर मैंने प्राकृतिक खेती का, क्योंकि आज के समय में जबकि केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है धीरे धीरे हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो उस विचार को लेते हुए मैंने सुभाष पालेकर और चौरसिया जी हैं जिनकी जिनके गाइडेंस में मैंने ये सोचा क्यों ना मैं भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूं कि भी हम किस प्रकार से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं नेचुरल वे से और कम खर्चे में, मतलब कि कोई पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है, कोई खादों का खर्चा नहीं है, सिर्फ नेचुरल वे में हमने शुरू किया था। और इस समय मेरा जो फार्म है वो लगभग तैयार है और उसमें हम इस समय धनिया की फसल का हम ले चुके हैं, करेला ले चुके हैं, करेला चला हुआ है, खीरा भी चला हुआ है, नीचे हमारे उस पर अदरक है। आप यहाँ देख ही रहे हैं जहाँ पर हमने एक कंपोस्ट तैयार किया है, कंपोस्ट पिट है, जिसमें कि हम जो भी कंपोस्ट जो भी वेस्टेज होता है उसका हम खाद में परिवर्तित करते हैं, साथ में उसका कंपोस्ट का जो वॉश है उसको भी हम उसका उपयोग भी यूज़ करते हैं, जिससे कि फसलों को प्राकृतिक रूप से सभी कुछ मिले।